नमस्कार दोस्तों, 22 सितंबर 2024 कुंभ और तुला राशि वालों के क्या कहते हैं भाग्य के सितारे। कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2024 का राशिफल ग्रहों की चाल से प्रभावित होने वाला है, जो चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण लेकर आया है। आप अधिक आत्मनिरीक्षण महसूस कर सकते हैं और यह गलत चिंतन का समय हो सकता है। दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और सफलता के लिए किसी भी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए यह एक अच्छा दिन है। आवेग से बचें, क्योंकि स्पष्टता आसानी से नहीं आ सकती है। करियर और वित्त की बात करें तो कार्यस्थल पर सूक्ष्म तनाव हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जिसे धैर्य के साथ प्रबंधित नहीं किया जा सकता। आप थोड़ा विचलित महसूस कर सकते हैं, लेकिन दिनचर्या के माध्यम से खुद को नियंत्रित करने से आपको उत्पादक बने रहने में मदद मिल सकती है। वित्तीय जोखिम लेने के लिए आदर्श दिन नहीं है। स्थिर चीजों पर टिके रहें और बिना सोचे समझे निवेश करने से बचें। अगर आप अपने वित्तीय कदमों के बारे में अनिश्चित हैं तो सलाह जरूर लें। लव और रोमांस की बात करें तो संचार महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने साथी की बात सुनने की कोशिश करें और गलतफहमियों से बचें। सिंगल लोगों के लिए यह अपनी आज़ादी का आनंद लेने और भविष्य के रिश्तों से क्या चाहते हैं इस पर विचार करने का अच्छा दिन है। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ छोटे मोटे तनाव हो सकते हैं, संभवतः अलग अलग राय या गलतफहमी के कारण। शांत और संयमित रहने से किसी भी मुद्दे को आसानी से हल करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको थोड़ी थकान या कम ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। पर्याप्त आराम करना और खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव डालने से बचना जरूरी है। योग या पैदल चलने जैसे हल्के व्यायाम आपको तराजा करने में मदद कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि दिन की ऊर्जा भावनात्मक उतार चढ़ाव ला सकती है। ध्यान लगाने या ऐसी गतिविधि में शामिल होने के लिए समय निकालें जो आपके दिमाग को जो है सुकून दे। शुभ पहलू, शुभ रंग इलेक्ट्रिक ब्लू, शुभ अंक 7 और 14, शुभ समय दोपहर 2:30 से शाम 4 बजे के बीच। तो आज सलाह है कि ये दिन बिना किसी निर्णय के अपने लक्ष्यों पर विचार करने के लिए निकालें। संतुलित दृष्टिकोण आपको तनाव से बचने और भविष्य के लिए बेहतर विकल्प चुनने में मदद करेगा। टकराव से बचें और आंतरिक एवं बाह्य दोनों स्तर पर शांति बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करें। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं भक्ति बोध न्यूज़।